गंगा माँ की जय, निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा, साफ गंगा, पवित्र गंगा का अभियान सदियों से इस देश में चलता आया है। और गंगा को हम अपनी माँ कहते हैं, फिल्मों में भी कहा गया है कि मानो तो गंगा जल है, नहीं तो बहता पानी। और बहते पानी की सार्थकता, बहते पानी का महत्व, बहते पानी की जीवन में उपयोगिता जब तक है, जब तक वो पवित्र होगा, जब तक वो निर्मल होगा, अनेकों जड़ी बूटियों से, पर्वत की बेलाओं से आने वाला गंगा जल हम पीने में काम लेते हैं, पूजा में काम लेते हैं, भोजन और मिठाइयां बनाने में काम लेते हैं। और जो लोग गंगा के किनारे रहते हैं उनका तो पूरा का पूरा जीवन ही गंगा के पानी से पूर्णता की तरफ जाता है। यदि हम गंगा की पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं, जिसके लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने, समाज सुधारकों ने, राजनीतिक दलों ने, सरकारों ने अभियान चलाए कि हम गंगा के अंदर गंदगी ना गिरे, गंगा के अंदर नाले ना जाने दें, गंगा के अंदर पशुओं को ना जाने दें, गंगा के अंदर कपड़े ना धोएं, गंगा के अंदर मरे हुए पशु पक्षी ना गिरे और ना ही मानव जाति के शरीर को गंगा में प्रभावित करें। बहुत सारी गलत परंपराएं गंगा के पवित्र जल को प्रदूषित करती हैं। और जब गंगा का जल प्रदूषित होगा और उसको मानव जाति के लोग पिएंगे तो निश्चित रूप से बीमार होंगे, और बीमार कोई नहीं रहना चाहता, स्वस्थ सब रहना चाहते हैं। गंगा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जिस तरीके से हम सवेरे उठते हैं, अपने शरीर को एक्सरसाइज के माध्यम से, योगा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, पूजा के माध्यम से पवित्र करते हैं, ठीक उसी तरीके से गंगा को भी हमें गंदगी से बचाकर साफ सुथरा रखना है, ताकि नमामि गंगे का जो अभियान है, नमामि गंगे के प्रति जो आस्था है, पवित्र गंगा के प्रति जो विश्वास है, वो जागृत रहे। दुनिया के अंदर गंगा का गंगा जल ही एक ऐसा जल है जो सदियों सदियों तक खराब नहीं होता, वरना जिस जल में स्थिरता आ जाती है, जो जल रुक जाता है, जिस जल का बहाव बंद हो जाता है, वह जल गंदा हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, प्रयोग के लिए उचित नहीं रहता। लेकिन गंगा का जल पवित्र रहता है, सदियों सदियों पवित्र रहता है और हर उच्च काम में काम आता है, जो हमारे जीवन को पवित्र बनाने में, निखारने में, ऐश्वर्यशाली बनाने में, देशभक्त बनाने में, समाज सेवी बनाने में, भारत के स्वाभिमान को विश्व महाशक्ति बनाने में सहयोग करता है। इसीलिए हम सदैव कहते हैं गंगा चाहे नदी के रूप में हो, गंगा चाहे गंगा के रूप में हो, चाहे गंगा की तरह और नदियां, कावेरी, नर्मदा आदि नदियां भी पवित्र रहनी चाहिए। और इतना ही नहीं, घर का जल भी गंगा जल की तरह
पवित्र और साफ सुथरा रहना चाहिए ताकि हम उस गंगा जल को प्रयोग करके जीवन के हर क्षण को सफलता की तरफ ले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ गंगा माँ को प्रणाम। गंगा की पवित्रता को रखने वाले अभियान में शामिल सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।